दोस्तों नमस्कार, मैं सुजीत बात कर रहा हूँ एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। दोस्तों आज हम बताएंगे कि मोबाइल ऐप में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे यूज करें। हालांकि इसमें गूगल सीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों ऐड की जा सकती है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको यहाँ सर्च करना है एक्सेल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया ना आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्रिएट एंड एडिट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जी हाँ, यहाँ देख लीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन होना चाहिए। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। ये डाउनलोड करेगा और कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल करने का। और आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप इसमें इस तरह के चार्ट्स बना सकते हैं। इसके अंदर अपने पैलेसेस को ऐड कर सकते हैं। 365 भी आ सकता है इसके अंदर में। देखिए डाउनलोडिंग है, 78% हो चुका है। तो वेट करते हैं। अब डाउनलोडिंग हो चुका है, अभी बस इंस्टॉल कर रहा है। हम इसको ओपन करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अपना फोटोज वगैरह को एक्सेस दे दीजिए। ये मेरे ऑफिस से कॉन्फ़िगर कर रहा है। जी हाँ, इसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन कर रखा है, तो ऑटोमेटिक इसने लॉगिन कर दिया हुआ है। ये अभी जितने एमएस ऑफिस हमने ऑफिस 365 परचेज कर रखा है, तो ऑफिस 365 में जितने भी ये थे फाइल्स थे सबको इसने यहाँ डाउनलोड कर दिया है। और यहाँ हम किसी भी फाइल को, नई फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्लस पे क्लिक करके सर्च के बगल में जो प्लस आपको दिख रहा है, एक नया फाइल ले भी सकते हैं या पुराना फाइल पे हम काम भी कर सकते हैं। और देखिए इसमें जिस तरह से हमारा एक्सेल पे होता है, सारा फॉर्मूला हर एक चीज़ यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे देखिए ये वी लुकअप का फॉर्मूला दिख रहे हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहें, और आगे चल के हम आपके साथ और भी मोबाइल के अंदर में जो एक्सेल का यूज होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल से ही काम अपना करना कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम कैपेबिलिटी हर जगह तो होती नहीं है। ऐसे मेरे चैनल पे मैंने 3000 से ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो डेस्कटॉप पर है हमने अपलोड किया हुआ है। अब हम कुछ सीरीज जो है मोबाइल एक्सेल का भी अपलोड करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।